नमस्कार दोस्तों, आज का हिंदी अखबार का जो कि कोलकाता से पब्लिश हुआ है उसका फर्स्ट पेज का हेडलाइन पढ़ के सुना रहा हूँ। हर रोज ये वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आपका सुझाव दीजिए और पुराना वीडियो देखने के लिए तो ये वीडियो का अंत में एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। तीन अखबार पढ़ूंगा, सन्मार्ग, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर। तो शुरू करते हैं सन्मार्ग से। सन्मार्ग का पहला खबर, सीएम आज जाएंगी ओडिशा, दार्जिलिंग दौरा किया कैंसिल। सीएम ने सीबीआई जांच पर उठाया सवाल। ट्रेन दुर्घटना में घायल हुई राज्यों के यात्रियों के इलाज और पुनर्वास निगरानी के लिए सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को अंतिम समय में दार्जिलिंग की अपनी 4 दिवसीय यात्रा रद्द कर दी है और आज वो उड़ीसा जाएगी। बंगाल के 90 लोगों के शवों की शिनाख्त हुई। मर्डर केस में 32 वर्ष बाद फैसला, माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद। वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हुई थी हत्या, विशेष अदालत से सजा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बाकी। भारत अमेरिका का रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए बना रोड मैप। कांग्रेस को रेल हादसे की सीबीआई जांच पर आपत्ति। भारत ने सबसे पहले उठाया जलवायु न्याय का मुद्दा, गरीब और विकासशील देश विकसित देशों की गलत नीतियों की चुका रहा है कीमत, मोदी। रुजिरा को 8 और मौलाय को 19 जून को ईडी ने बुलाया। कोयला तस्करी मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को 8 जून को कोलकाता के ईडी कार्यालय में तलब किया है, जबकि मौलाय घटक को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में 19 जून को बुलाया गया है। मौलाय घटक जो कि मंत्री है। लगातार 5वें साल आईआईटी मद्रास शीर्ष पर। एनआईआरएफ 2023 समग्र रैंकिंग में शीर्ष 10 में 7 आईआईटी। तैरना नहीं आने पर भी समुद्र में डूबते बेटे को बचाया पर खुद डूब गया, न्यूयॉर्क का खबर है। मामले में 2 गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किया 8 बम। कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे। शौचालय में हुआ बम विस्फोट, किशोर की जान गई। बनगांव थाना अंतर्गत बक्सीपोल्डी इलाके में सोमवार को एक शौचालय में हुई विस्फोट में एक किशोर की मौत हो गई। मृतक के नाम राजू राय 12 है। यह हो गया सन्मार्ग का खबर। अब पढ़ेंगे वर्तमान पत्रिका। ओडिशा रेल हादसा, सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी की सूचना 3 महीने पहले मिली थी, चेतावनी की अनदेखी, दाब और यात्री सुरक्षा। रेलवे बोर्ड ने दर्ज एफआईआर में कहा आपराधिक अनदेखी। संसदीय कमेटी, सेफ्टी कमीशन और कैग के रिपोर्ट सिफारिशों को नहीं माना गया, लगे आरोप। चूक छिपाने के लिए सीबीआई जांच का फैसला। सामान्य हुई रेल सेवा, वंदे भारत समेत कई ट्रेन गुजरी। हादसे में प्रभावित राज्यवासियों के लिए ममता की घोषणा, मृतकों व दिव्यांगों हुई यात्रियों के परिवार में एक को नौकरी। दुख का साथी, दार्जिलिंग दौरा किया रद्द, फिर उड़ीसा के जाएंगी ममता। बुधवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पीड़ित परिवारों को चेक और नौकरी पत्र देगी सीएम। अभिषेक की पत्नी को ईडी ने विदेश जाने से रोका, गुरुवार सीजीओ कॉम्प्लेक्स में किया तलब। कानून मंत्री मौलाय घटक को भी बुलाया। और आरएसएस की मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के आर्टिकल में जाहिर हुई असलियत, मोदी मैजिक वो हिंदुत्व तो नाकाफी। 2024 की जंग, मिशन दिल्ली,
पटना में विपक्षी बैठक स्थगित होने पर बोले नीतीश कुमार, पार्टी प्रमुख के बिना कोई बात नहीं, लक्ष्य 2024। कहा, बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख को आना था, मीटिंग में कांग्रेस के प्रमुख आए, प्रतिनिधि भेजना ठीक नहीं, अब 20 जून के बाद ही होगी अगली बैठक। अभी प्रभात खबर, बालासोर ट्रेन हादसा, मुख्यमंत्री ने नवानों के पास मृतकों को दी श्रद्धांजलि, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने शुरू की जांच, मृतकों के आश्रित को अंग गंवाने वाले के परिजन को मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा। सड़क मार्ग से लाए गए 400, बालासोर में रेल सेवा फिर बहाल, जांच अपने हाथ में लेगी सीबीआई, पटरी हुई दुरुस्त, हावड़ा पूरी वंदे भारत इस ट्रैक से गुजरी, रेलवे ने बालासोर जीआरपी में दर्ज कराया एफआईआर, रुजिरा को एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोका गया, इमिग्रेशन विभाग का दावा, ईडी को और से जारी लुकआउट नोटिस के कारण ऐसा किया गया, ईडी ने कोयला घोटालों में पूछताछ के लिए रुजिरा को 8 जून को पेश होने के लिए कहा, रुजिरा को गिरफ्तार करने पर भी सिर नहीं झुकाएंगे अभिषेक। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कहा कि 8 जून को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी पेश होगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें गिरफ्तार करा दे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो भी वो सिर नहीं झुकाएंगे। बनगांव सार्वजनिक शौचालय में भीषण बम विस्फोट, बच्चे की मौत, घटनास्थल से 8 बम बरामद, बम स्क्वाड ने किया निष्क्रिय, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, की जा रही पूछताछ। और प्रभात खबर की आखिरी खबर है, NIRF रैंकिंग, IIT खड़गपुर देश में 7वें स्थान पर। तो ये रहा आज का खबर हेडलाइन, तो कल फिर नया वीडियो में नया खबर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।